जिला कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और मंत्री सालेह मोहम्मद विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। जयपुर शहर के सभी विधानसभा के कांग्रेसी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस अवसर पर भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी जिलों में जाकर जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे संवाद और संपर्क किया जाए। इस अवसर पर डीसीसी के अध्यक्ष आरआर तिवारी भी साथ थे। अभी प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने ये फैसला लिया है कि सभी प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर साहिबान हैं वो अलग अलग जिलों में जाकर जो भी हमारे कैंडिडेट चाहते हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे आवेदन प्राप्त करें, संगठन के जो हमारे सभी पदाधिकारी हैं उनसे मिलें। तो ये एक प्रक्रिया शुरू हुई है इलेक्शन प्रोसेस की। कांग्रेस पार्टी हरदम इसके ऊपर भरोसा रखती है कि जो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, जो बूथ पर बैठता है, जो कांग्रेस की रात और दिन सेवा करता है, उससे बात करी जाए। अच्छी प्रक्रिया पार्टी ने रखी है। जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर पाए। उनके मन में क्या है, तो जो ऑब्जर्वर आए हैं अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से अलग अलग करके बात कर रहे हैं, मन की बात सामने आएगी। राजनीति में हो चाहे जीवन में, मन की बात सामने आ जाती है, बाहर आ जाती है, किसी को हम कह देते हैं तो मन अपने आप जो है शांत हो जाता है। अगर किसी के मन में कोई भाव है तो इस तरीके से अपने भाव को वो निकाल के, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब टिकट बढ़ जाएंगे तो पार्टी के पक्ष में पूरी ताकत लगा के वो काम करें। मिशन 156 और विजन 2030, आज जो राजस्थान की जनता की जो आवाज़ है वो आवाज़ आपको यहाँ धरातल पर दिख रही है। आज तमाम लोग, चाहे हमारी डीसीसी हो, पीसीसी हो, आज माहौल वहाँ जो दिख रहा है कि राजस्थान की जनता चाहती है कि वापस रिपीट कांग्रेस हो। चुनाव को देख रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से रणबेरी प्रारंभ हो गई है। पहले ब्लॉक संगठन के स्तर पर बैठक ले गए, आज बात करें डीसीसी के अंदर जो प्रभारी है बहुत जितेंद्र सिंह है और विधायक सालेह मोहम्मद है, आज उनके द्वारा बैठक ले जा रहा है। और जो जितने प्रत्याशी है जयपुर शहर के 8 विधानसभा से जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे 1-to-1 संवाद किया जाएगा, उनसे जीत का आधार हो जाएगा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार रिपीट की दावेदारी कर रही है, कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत सरकार आगामी विधानसभा चुनाव उतरने को जा रही है। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को कितनी विजय मिल पाती है, यानी आने वाला वक्त ही बता पाया। कैमरामैन नेमचंद पांचाल के साथ नीलाधर कुमावत, एवं TV News Jaipur।